वेलकम स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मैथ का टॉपिक क्लास 9 से। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे पास डिस्कस किया था हमने एक्सरसाइज 3.2। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 3 है। ये पार्ट नंबर 3 हमारे पास चैप्टर के अकॉर्डिंग है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम जो चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स सी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.3। सो 3.3 के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे और कार्टेशियन प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट। सो देखिए, हमारे पास गिवन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 एंड 4। सेकंड हमारे पास 3 एंड -1, फिर हमारे पास -1 एंड 0, फिर हमारे पास है 1 और 2, एंड अदर हमारे पास है -3 एंड -5 लाइज। कहाँ पे ये पॉइंट लाई करते हैं, डायग्राम हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वेरीफाई योर आंसर, आप अपने आंसर को वेरीफाई करेंगे बाय लोकेटिंग दैम, जब हम इन पॉइंट को लोकेट कर देंगे ऑन द कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ठीक है, सो देखिए हमारे पास क्या क्या आंसर रहेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट है इसका, ये इसको हमने पार्ट नंबर फर्स्ट लिया है, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2 एंड वाई का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4। एक्स वाले कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलेंगे, ठीक है, वाई वाले को हम ऑर्डिनेट कहेंगे, दिस वन। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस का है वो नेगेटिव है। सो देखिए, इन दिस पॉइंट -2 एंड 4 एब्सिसा इज़ नेगेटिव, यानी एक्स का नेगेटिव है, एंड ऑर्डिनेट इज़ पॉजिटिव, यानी वाई का हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। सो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आंसर हुआ हमारे पास कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। कैसे हुआ, देखिए डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को। ये आपके पास है, मान लीजिए डायग्राम, ठीक है, ये एक्स पॉजिटिव है, दिस वन एक्स डैश आपका नेगेटिव है, ये आपका वाई पॉजिटिव है और ये वाई डैश आपका नेगेटिव है। यहाँ पे आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस वन सेकंड, फिर हमारे पास थर्ड है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बाद में हमारे पास है क्वाड्रेंट नंबर 4। ठीक है, इसने कहा कि हमारे पास एब्सिसा जो है वो माइनस का है, यानी एक्स का है, वो इस पे लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे लाई करता है, और वाई का कोऑर्डिनेट प्लस का है, तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इस साइड है, ये आपका वाई पॉजिटिव पोर्शन है। तो यहाँ पे अगर -4 है और यहाँ पे आपका -2 है, तो आपके पास पॉइंट जो है वो एक दूसरे पे मीट करेंगे, वो यहाँ पे मीट करेंगे, आप इसका नाम दे सकते हो ए, और यहाँ पे जो पॉइंट हमारे पास रहेगा ये हमारे पास लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये जो हमारे पास है -2 एंड 4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम भी हमारे पास देखिए इस टाइप से लेंगे। सो हमारे पास डायग्राम के अंदर हमने लिया -2 एंड 4। सो -2 एंड 4 के अंदर हमारे पास ये एक्स पॉजिटिव है, दिस पोर्शन, इस टाइप से देखिए हमारे पास, ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स डैश आपके पास नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है और ये आपके पास वाई डैश नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है -2 एंड 4। तो ये देखिए -2 और 4 कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसके अंदर ये आपका क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड है, यहाँ पे आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर, तो यहाँ पे लाई करते हैं ये पॉइंट ए, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट इसका आंसर। लेट्स सी, सेकेंड देखते हैं पॉइंट हमारे पास, इन द पॉइंट 3 एंड -1 एब्सिसा इज पॉजिटिव। ये देखिए, ये जो 3 हमारे पास है ये पॉजिटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑलवेज एक्स का होगा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास वाई का होगा, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव, यानी जो वाई का है वो हमारे पास नेगेटिव है। सो इट्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए हमारे पास जो है बी पॉइंट था वो हमारे पास एक्स का पॉजिटिव है 3, तो ये हमारे पास हुआ 3, ठीक है, और उसके बाद में वाई का नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे आके हमारे पास ये मीट करेगा, तो हमारे पास पॉइंट बनेगा बी, और ये लाई हमारे पास जो करता है कौन से क्वाड्रेंट में करता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारे पास आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो, कि जो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर रहे हैं क्वेश्चन पे। पार्ट नंबर थ्री देखिए, लेट्स सी पार्ट नंबर थ्री पे डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर थ्री देखिए, हमारे पास द पॉइंट एक्स का माइनस वन और वाई का हमारे पास जीरो है, सो इसका आंसर क्या रहेगा, लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये कहाँ पे लाई करता है, नेगेटिव एक्सिस पे। कैसे होगा देखिए, हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का हमारे पास माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस वन, वाई का हमारे पास ज़ीरो है तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे पॉइंट बन रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस कौन सी, हमारे पास नेगेटिव, और ना तो ये क्वाड्रेंट सेकंड में लाई करेगा ना ये थर्ड में लाई करेगा, सो आप इसको क्या कहेंगे कि ये कहाँ पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्सिस पे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी पार्ट नंबर फोर पे डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर फोर हमारे पास है, इन द पॉइंट्स एक्स का वन है वाई का टू है, सो इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस टाइप से हमारे पास जो बनेंगे देखिए, माइनस यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव का वन है और पॉजिटिव का टू है, सो एब्सिसा कोऑर्डिनेट एक्स का होगा हमारे पास, ऑर्डिनेट वाई है, और बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, सो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेंगे, सो यहाँ पे एक्स का वन है वो भी पॉजिटिव है, वाई का टू है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉइंट आपका बनेगा डी, और ये हमारे पास क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर फाइव, इन द पॉइंट माइनस थ्री माइनस फाइव एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर बोथ नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर हमारे पास नेगेटिव है, देयरफॉर इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कहाँ पे लाई करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स का हमारे पास माइनस थ्री, वाई का भी माइनस फाइव है, ठीक है, तो ये लाइज हमारे पास कहाँ पे करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमने कंप्लीट किया। एंड दीज पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड ए बी सी डी ई विच क्लैरिफाई, हमें ये भी बताना था कि ये पॉइंट हमारे पास ग्राफ में किस टाइप से रिप्रेजेंट होंगे, सो हमने रिप्रेजेंट किया ग्राफ में, देयरफॉर लोकेशन इन द पॉइंटेड क्वाड्रेंट एंड एक्सिस, क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और एक्सिस में लाई करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स एक्स एंड वाई गिवन द फ्लोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग द सुटेबल यूनिट्स ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे हमें जो पॉइंट गिवन है, यानी जो एक्स का पॉइंट हमारे पास है और वाई के पॉइंट हैं, उनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के अंदर। सो सबसे पहले हमारे पास ग्राफ बनाएंगे, एक हमारे पास होगा एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होगा वाई एक्सिस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, दिस वन एक्स एक्सिस पॉजिटिव पोर्सन है, ये हमारे पास एक्स डैश है नेगेटिव पोर्सन, यहाँ पे हमारे पास वाई है और ये हमारे पास वाई डैश है, हमें इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और ये वन वन यूनिट का हमने लेंथ लिया, वो इक्वल डिस्टेंस में हमने बाइसेक्ट किए हैं पॉइंट्स, वन टू थ्री फोर नाइन तक जितने भी हमने लिए हैं। एक्स एक्सिस में हमने एट तक इंटरसेक्ट किया है, नेगेटिव वाले माइनस सेवन तक लिया है, पॉजिटिव वाई के अंदर हमने नाइन तक लिया है, ठीक है। ड्रा एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश एज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देयर मार्क द पॉइंट। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, फर्स्ट हम माइनस टू और प्लस के एट को रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस का टू एंड पॉजिटिव का एट है, ठीक है। तो माइनस का टू हमारे पास एक्स का है और वाई का हमारे पास क्या है, एट है, तो यहाँ पे हम माइनस का टू लेंगे, दिस वन ये माइनस का टू है, पॉजिटिव का एट हमारे पास ये है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई की तरफ, ये लाइन हमारे पास है और ये इस टाइप से, जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे वहाँ पे हमारे पास पॉइंट होएगा ए, और उस पॉइंट ए पे हम लिखेंगे कि एक्स का माइनस टू एंड वाई का एट। इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट किया, ए पॉइंट हमारे पास बना है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स का माइनस टू है और वाई का क्या है, एट है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है माइनस वन एंड सेवन, एक्स का माइनस वन है तो यहाँ हमारे पास एक्स का माइनस वन है, वाई का हमारे पास सेवन है, तो इस टाइप से ड्रा करेंगे ये लाइन और ये ऐसे ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट हमारे पास होगा एक्स का माइनस वन और वाई का हमारे पास सेवन। इसी टाइप से हमारे पास डी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे वन एंड थ्री, तो एक्स का वन है तो यहाँ पे हमारे पास वन होगा, वाई का थ्री है तो वाई का थ्री यहाँ से आ जाएगा, ठीक है।
तो ये डी पॉइंट बनेगा 1 एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास है ई पॉइंट। ई पॉइंट में हमारे पास क्या है, एक्स का 3 है और वाई का हमारे पास -1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स का 3 और वाई का हमारे पास क्या है, -1। तो ये हमारे पास ई पॉइंट रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में हमारे पास है सी पॉइंट। सी पॉइंट में हमारे पास देखिए एक्स का 0 है तो ओरिजिन हो जाएगा ऐसे, और वाई का -1.25 है यानी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास होगा पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा ये नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी पॉइंट से, और ये हमारे पास होगा 0 और -1.25। इस टाइप से हमने सभी कोऑर्डिनेट हमने रिप्रेजेंट किए हैं। ये जो हमारे पास है 3 और -1, एक्स का 3 है ये लिया था हमने, एक्स का 3 है और वाई का हमारे पास क्या है, -1। सो ये -1, तो यहाँ पे ई पॉइंट हमारे पास है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा ग्राफ के अंदर। चलिए इजी क्वेश्चन है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में हमें बताना है कि देखिए ये जो इन ऑर्डर टू द प्लॉट द पॉइंट ऑफ -2 एंड 8 वी हैव टेक 2 यूनिट ऑफ ओ एक्स डैश, ये इसकी कंस्ट्रक्शन लिख रखी है। ठीक है, आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको एक सिंपल रीड आउट करें और ग्राफ को रिप्रेजेंट करें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास हैं इंपॉर्टेंट बनते हैं इस चैप्टर के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट किस टाइप से बनेंगे जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है, कि वर्टिसेस हमारे पास गिवन है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल का, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। किस टाइप से बनेंगे, सिंपल आप पहले ग्राफ लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, दिस वन, ये एक्स पॉजिटिव पोर्शन है, ये एक्स डैश है, यहाँ पे आपके पास वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, तो ए पॉइंट हमारे पास है 2 और -3, तो एक्स का हमारे पास 2 है और वाई का हमारे पास है -3। बी पॉइंट हमारे पास है एक्स का 4 और वाई का 3 है। सी पॉइंट हमारे पास है एक्स का -3 एंड वाई का हमारे पास है 6। तो देखिए यहाँ से हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे एक्स का 2, देन ये एक्स का 2 होगा और वाई का -3 है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास क्या होगा, एक्स का हमारे पास 4 और वाई का हमारे पास क्या होगा, 3, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एक्स का -3, दिस वन, एंड वाई का हमारे पास क्या होगा, 6। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पॉइंट को, तो ये हमारे पास ये पॉइंट है, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है, जब इन पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे तो एक दूसरे से क्या करवा देंगे, इसको ज्वाइन करवा देंगे और हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी ए बी सी। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बतानी थी, देखिए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो इस टाइप से हमने ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए विच एक्सिस, कौन सी एक्सिस पे ये लाई करता है ये हमें बताना है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है उस पे हमारे पास एक पॉइंट है ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास होती है यानी ये जो हमारे पास है एक्स एक्स डैश, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वाई, तो ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना था कि जैसे आपके पास एक्स एक्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, उसी टाइप से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोई, उसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आंसर ऑफ द फ्लोविंग, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या दिया है, ए पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, एक पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है, देन विच कोऑर्डिनेट इज 0, तो हमें ये बताना है कौन सा कोऑर्डिनेट आपके पास 0 रहेगा। ठीक है, सो देखिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर इसका रहेगा फर्स्ट पार्ट का, फ्रॉम द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। अगर ये वाई एक्सिस पे लाई करता है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि आपके पास जो पॉइंट है वो ओनली वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो एक्स का आंसर 0 होगा। अगर वो बोलता है कि एक्स के एक्सिस पे लाई करता है, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है वो एक्स पे लाई करता है, वाई पे नहीं करता, तो वाई का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसने कहा था कि जो पॉइंट है वो लाई ऑन वाई एक्सिस, सो इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो ये हमारे पास आंसर था इसका। लेट्स सी सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे अभी। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, देखिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉइंट, आई मीन पॉइंट का नेम बताना है, वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस
ठीक है, ओरिजेंटल एक्सिस कहाँ पे है और वर्टिकल एक्सिस इंटरसेक्ट इन द कार्टेशियन प्लेन, जो एक दूसरे को क्या करती है, कार्टेशियन प्लेन में इंटरसेक्ट करती है। सो देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर टू, द पॉइंट वेयर द ओरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती है, इज कॉल्ड ओरिजन, उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजन। इस टाइप से है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ये वाई है, वाई डैश है, ये जीरो एक्स पे भी इंटरसेक्ट करते हैं और वाई पे भी, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे ओरिजन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स सी, थर्ड पार्ट है, इफ़ ए पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट, यहाँ हमारे पास गिवन है कि एक पॉइंट दे रखा है, उसका डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या गिवन है, फ्रॉम वाई एक्सिस एंड -3 जो है वो एक्स एक्सिस पे है, आपको क्या करना है, राइट इट्स कोऑर्डिनेट, आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, देखिए करते हैं सॉल्यूशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ पी विल बी, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 एंड -3, वो कैसे होगा, देखिए एक पॉइंट है 2 यूनिट पे, 2 यूनिट उसका डिस्टेंस दे रखा है और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमारे पास क्या है, 3 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो एक्स का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, 2, और वाई का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। ये कोई भी पी पॉइंट आपने लिया, ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 और -3। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 की रिवीजन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।